Mira Road, State Agents Association. Dunya ek nambari, mai hun 10 nambari. 10 association hai na aapki. Isliye dunya ek nambari, mai hun 10 nambari. Manch pe upasthit Ramesh Jain, Kamlesh Boria, Prakash Bhai, Umar Fruitwala, Avinash Matre, Kirit Barot, Amrish Vadodriya, Harish Sheth, Nikhil Desai, Milind Kamdara, Atul Gosalia, Kirit Prajapati, और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और दोस्तों, आप लोगों के साथ मेरा बहुत लंबा साथ रहा है। जब से आप लोग मीरा रोड में आए हो, भयंदर में आए हो, तब से लेके आज तक के आपका हमारा साथ रहा। आज तक कभी भी ऐसा मौका नहीं पड़ा कि कॉरपोरेशन का चुनाव, विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव हमको आपको बुला करके ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप मुझे मदद करो, आप हमारी पार्टी को वोट करो। आज ये पहली बार ये मौका मुझे मिला है तो मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं, क्योंकि स्टेट एजेंट का जो प्रोफेशन है वो अपने आप में इतना एक मैच्योर्ड प्रोफेशन है कि सवेरे से शाम तक उसके पास 100 लोग आते हैं और इंसान को पहचानने का वो तुरंत समझ जाता है कि ये ग्राहक खाली भाव पूछने को आया है कि ये पक्का माल खरीदेगा, कि ये खाली टोकन देके जाके टाइम लंबा करेगा, कि ये टोकन देने के बाद में लिटिगेशन क्रिएट करेगा, ये ल्यू एंड लाइसेंस का वन टाइम पेमेंट देने के बाद में मकान खाली करेगा नहीं करेगा, ये बिल्डर तलब देगा नहीं देगा, ये 2% बोल के 1.5% ही देगा, कि 2% बोल के 3% भी दे सकता है, तो ये और ये बिल्डर का माल बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, इस पे लोन पास होगा नहीं होगा, इसका टाइटल क्लियर है नहीं है, तो सब चीज की मालूमात स्टेट एजेंट का एक ऐसा प्रोफेशन है रियल स्टेट का कि वो एक पब्लिक के साथ में उसका एक इंटरेक्शन होता है और आदमी की मेंटेलिटी को, विचारधारणा को, व्यवहार को बहुत अच्छी तरह से वो समझता है, परखता है और उसको मालूम होता है। इसीलिए मैंने भी सोचा कि अपने इस विधानसभा में अपने आप को बेचने का सब में बड़ा मौका यही है। क्या ऐसे लोगों के पास अपने माल को रखूं कि तुरंत बिक जावे, कि भाई टाइटल क्लियर है, 25 साल में इस टाइटल में कोई लिटिगेशन आया नहीं, किसी का टोकन लिया नहीं, कोई बैंक ने कर्जा के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट किया नहीं, कोई स्टेट एजेंट का कमीशन बाकी नहीं, तो ये आप लोगों को पता है कि भैया ये जो माल है 24 कैरेट गोल्ड है, रखेंगे तो माल पैसा बढ़ने ही वाला है, कम होने वाला नहीं है, इस पे बाद में जीवन में कभी 22 केसेस होने वाले नहीं है, मतलब ये कोई जंगल काटेगा नहीं, ये मैंग्रोव नष्ट नहीं करेगा, सीआरजेड में बिल्डिंग नहीं बनाएगा, इसको राष्ट्रपति का पुरस्कार विधानसभा में मिल सकता है मगर हाईकोर्ट नहीं बोल सकता कि इस पे केस दाखिल करो। कोई जमीन वाले को टोकन दे करके उसका टीडीआर नहीं ले लेगा, प्रॉपर्टी बड़े परिवार की तो एक भाई को पकड़ करके साइन करा के टीडीआर लेकर के बेच के दूसरा लिटिगेशन नहीं खड़ा करेगा, मतलब ये सब चीज आप लोग जानते हैं, जानते ही नहीं जानते, मैंने ऐसा काम नहीं किया कि शमशान की भी टीडीआर ले लिया है, कभी सुना? मैंने तो जो आरएनए बिल्डर ने टीडीआर लिया था उस शमशान को, कब्रस्तान बरियल ग्राउंड को खुद का 6 करोड़ रुपया लगा के 2000 में बनाया, खुद का 6 करोड़ रुपया। आज तक कभी हमने बोला आपको? और हर महीने 5 लाख रुपया 20 साल का हिसाब करो कितना पैसा होता है वो खर्चा किया, कभी बोर्ड लगाया मैंने शहर में, मुझे गर्व है, कभी देखा मेरा बोर्ड न शमशान के बाहर, न कब्रस्तान के बाहर, न जॉगर्स पार्क के बाहर,
तो शहर में ना हमने किसी की जमीन पे अतिक्रमण किया, क्या बोलते हैं उसको, बाउंसर्स लेकर के पुलिस डिपार्टमेंट को हाथ में पकड़ के, म्युनिसिपैलिटी को हाथ में पकड़ करके, अभी किसी बिल्डर का काशीमीरा नाके पे संडे के दिन मेरे को भी शॉक लग गया कि हिंदुस्तान की पुलिस इतनी अलर्ट कि एमएलए के साथ जाकर के पुलिस म्युनिसिपैलिटी खड़े रहकर के जमीन का ताबा दिलाती है, तो आश्चर्य हो गया। मैं भी 2 साल विधानसभा में रहा, मगर ऐसा कभी शहर में हमने सुना नहीं। मैं हूं या गिलबर्ट मेंडोंसा है, 91 से 2014 तक हम लोग सत्ता में रहे, ठीक है, उनका हमारा पॉलिटिकल चला कुछ भी, लेकिन ना कभी उन्होंने किसी को तकलीफ दिया ना हमने दिया। मगर आज ये शहर के अंदर जो समस्या है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास तो सबका टाइटल मालूम है, आपको मालूम है ना, आपको तो मेरा भी टाइटल मालूम है और जिसके सामने हम लड़ रहे हैं उसका भी टाइटल मालूम है, और आपको तो मार्केट का भाव भी मालूम है। तो पेपर में और मीडिया में तो छपा के लाते हैं, मैनेज करते हैं कि सट्टे के अंदर ये भाव चल रहा है। मैं तो अकेला ही चुनाव लड़ रहा हूं। परसों तो अशोक गहलोत साहब ने सामने से बोला था, क्योंकि एक महीना पहले दिल्ली में मुलाकात हुई थी, तो मेरे को बोले थे इलेक्शन के पहले मैं आके जाऊंगा, मगर वो आ नहीं पाए। परसों उन्होंने सामने से मैसेज दिया उनके ऑफिस से कि सीएम साहब आने वाले हैं, उनकी एक सभा लगा दीजिए। मैंने कहा अभी 24 घंटे में कैसा पॉसिबल है, 18 का हमने टेंटेटिव रखा हुआ है, उस दिन हम लेंगे। बोले नहीं, एक ही दिन वो आपके लिए आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली परमिशन सब हुई और वो अंधेरी तक आए और उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो वापस चले गए। इसके अलावा हमने कोई नेशनल लीडर्स नहीं और स्टेट लीडर्स नहीं, बिल्कुल नहीं किसी को बुलाया। क्यों? किसी को गर्व है तो मुझे अपने आप पे विश्वास है, और मुझे अपने आप पे विश्वास अपने काम। 33-35 सालों में इस शहर के अंदर ना हमने ना हमारे परिवार ने, माता ने, पिता ने कभी किसी को तकलीफ दी, ना परेशान किया, ना दादागिरी की, ना गुंडागर्दी करी, ना एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हमारे लोगों पे लगा। ये शहर में हमने लोगों की मदद ही करी, हर समाज की करी, हर वर्ग की करी, हर भाषा की करी, मगर हमने समाज के अंदर कभी भी जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतवाद नहीं किया। सर्वधर्म समभाव में मानने वाले लोग खाली भाषण करने वाले नहीं है, और आप लोग सब लोग जानते हैं, मुझे वो आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। वो मेरा नाम लेकर के कोई कितना भी चिल्ला चिल्ला करके थक जाएगा तब भी इस शहर में लोग मानेंगे नहीं कि मुजफ्फर हुसैन ने कुछ इस तरह की हरकत किया होगा। इतना मुझे भी विश्वास है अपने आप पर और ऊपर वाले पर विश्वास है। मैं आजकल 2 ही लोगों पर भरोसा करता हूँ। किस पे? तो सलमान खान बोलता है ना, क्या बोलता है, मैं 2 ही लोगों से डरता हूँ, एक अपने आप से और अपने आप से। तो मैं 2 ही लोगों पर भरोसा करता हूँ, एक अपने आप पे और एक ऊपर वाले पे। पिछले 3 साल आप लोगों को, बहुत से नए लोगों को पता है कि मेरी 3 स्पाइन की सर्जरी हो गई, ऑलमोस्ट 3 साल बेड रिडन रहा, और उस पूरे पीरियड के अंदर जब मुझे पूरे शहर से लोग मिलते थे तो लोग मुझे आके कहते थे कि साहब इसको आपको रोकना पड़ेगा, शहर में जो हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा, अन्याय हो रहा है लोगों पे, चाहे गरीब आदमी हो, मध्यम वर्ग का आदमी हो, बड़ा आदमी हो, किसी की जमीन की प्रॉब्लम है, किसी के बिल्डिंग का प्रॉब्लम है, किसी का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट को लेके प्रॉब्लम है, बिल्डिंग परमिशन का प्रॉब्लम है, अगर प्लान पास करने डालते हैं तो 200 रुपया स्क्वायर फीट मांगा जाता है, 250 रुपया स्क्वायर फीट मांगा जाता है। शहर के अंदर की सारी गवर्नमेंट की लैंड का टाइटल को 7-12 बोलते हैं, तो लोग मुझे आके कहते थे कि साहब अभी गवर्नमेंट ने भी चेंज कर दिया, अभी 7-11 कर दिया, मीरा भयंदर पे लैंड के टाइटल को 7-11 बोलते हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले पूरे शहर में कहीं भी घूमो 7-11 का बोर्ड है हर जमीन के ऊपर। अरे बोला वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी के? नहीं, बोले वो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड ही चेंज हो गया पूरा 7-11। बोले मीरा रोड का स्टेशन का नाम भी चेंज होने वाला। मतलब क्या होने वाला है? बोलते 7-11। और वो इसी हुआ कि वो महापालिका का मैराथन हुआ, 65 लाख रुपया आपका हमारा टैक्स का
लगा, वो जो मेडल बना है ना, टी शर्ट बना, म्युनिसिपैलिटी का नाम ऐसा बारीक अल्फाज में, और 7/11 और मेडल भी 7/11। ₹750 करोड़ रुपया म्युनिसिपैलिटी लॉस में है, आप लोग को मालूम है किसी को? पांच साल में ₹750 करोड़ रुपए के म्युनिसिपैलिटी नुकसान में, और ₹750 करोड़ रुपए का एक क्लब बन करके खड़ा है। बैलेंस शीट टैली हो गई, डेबिट क्रेडिट पे नहीं हुई, हो गई। अब आप बोलेंगे ₹750 करोड़ रुपए कैसे निकला? आपके सबके जेब से हर महीने हर साल ₹6,000 निकला है। 25% कौन लेता है ये तो सबको मालूम है शहर में, आप लोग को तो मालूम है ना, यहाँ नहीं है 7/11 वाला, बोलो हाँ ना बोलने को दिक्कत नहीं है। तो जो हम टैक्स का पैसा आपका जमा होता है, हाउस टैक्स का हो, वाटर का टैक्स हो, पर टैक्स के अंदर से 25% कमीशन लिया जाता है, ये आप लोग सब लोग जानते हो। आप लोग म्युनिसिपैलिटी से कंसर्न रहता है आपका, बिल्डर से कंसर्न रहता है। पानी का बिल आप लोग 7 रुपया भरते थे, अभी 14 रुपया भरते हो। पानी 2 घंटा 3 घंटा आता था, अभी कितना घंटा आता है? आधा घंटा मुश्किल से। 2014 तक के हमने 175 MLD पानी सैंक्शन करवा के लाया था, 75 MLD MIDC का जो पानी था सैंक्शन हो गया था, काम लाइन का काम चालू हो गया था। उसमें से 40 MLD पानी हीरानंदानी को दे दिया गया, ये सब पूरा आप लोगों को इसकी मालूम है, पेपर में आया, टीवी में आया। ये विधायक को तो आदत है हर जगह बोलने की, मैं राजीनामा दे दूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। विधानसभा में भी ऐसी बोले, जयंत पाटिल ने बोला इन पे 17 क्रिमिनल केस है, 7/11 क्लब के ऊपर ये आक्षेप है, तो इन्होंने कहा कि एक भी क्रिमिनल केस मेरे ऊपर नहीं है, और 7/11 क्लब जो है वो मेरा नहीं है, XYZ का, मेरे भाई का है, या विनोद मेहता का है, किसका है। अभी जब नॉमिनेशन फाइल किया है तो उसमें 23 क्रिमिनल केसेस भी आ गए, और उसमें उस क्लब की मालकी की डिटेल भी आ गई। तो जो कायदा मंदिर बोला जाता है असेंबली को, उस कायदे मंदिर के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई आदमी झूठ बोलता है तो समाज में कितना झूठ बोलता होगा, समाज में कितना झूठ बोलता होगा। पिछले 5 सालों में क्या हुआ, तुम शैतानवर जैन, तुम गुजराती जैन, तुम मारवाड़ी जैन, तुम दिगंबर, तुम स्थानकवासी, तुम देरावासी, तुम कपोल, तुम ब्राह्मण, तुम पटेल, तुम जालाराम बापा, यही चला है ना पूरा शहर में। इसको भवन बना के देंगे, उसको भवन बना के देंगे, उसको भवन बना के देंगे। भाई विधायक MLA जो होता है, MLA का काम है राज्य के अंदर कायदे बनाना, और कायदे बना करके उसको मॉनिटर करना, गवर्नेंस करना, चाहे विरोधी पक्ष में हो या सत्ता में हो, और अपने शहर के अंदर सरकार के माध्यम से जो काम कराना होता है वो काम करवा के लाना, वो जिम्मेदारी होती है। आपने 5 साल पहले MLA तो चुन के भेजा, मगर आप लोगों ने उसको बॉम्बे की टिकट निकाल के नहीं दिया। मतलब भयंदर से चर्चगेट तक जाता था कि ट्रेन से असेंबली जाता था, आप लोगों ने वो नहीं किया। तो वह MLA बन के भी म्युनिसिपैलिटी में 5 साल बैठा, मालूम है ना आपको, 5 साल म्युनिसिपैलिटी के अंदर ही, सुबह से शाम तक। मतलब म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी बाद में आते हैं, ये पहला आते हैं, वॉचमैन भी बन करके चले जाते हैं, ये बाद में भाग जाते हैं। मैं 2002 में 2004 तक के डिप्टी मेयर था, और जब मुझे MLC पार्टी ने दी तो मैंने MLC का फॉर्म भरने से पहले नगर सेवक पद का राजीनामा दिया और डिप्टी मेयर का राजीनामा दिया, और उसके बाद में MLC का मैंने फॉर्म भरा। इसने क्या किया, आपने MLA तो बना दिया, ये नगर सेवक थे उस टाइम, मगर ये पूरा 2017 तक नगर सेवक बनकर के भी बैठे और MLA बन के भी बैठे। तो इससे ये पिक्चर साफ होती है कि इंटरेस्ट किधर था। इंटरेस्ट शहर के अंदर तबाही और बर्बादी और भ्रष्टाचार करने में था। अगर इनका इंटरेस्ट होता कि लोगों ने मुझे MLA बनाया, विधानसभा में मैंने जाके काम करना चाहिए, तो ये कॉलिंग अटेंशन लगाते,
क्वेश्चन आंसर्स लगाते और ये शहर के अंदर का टॉल टैक्स हटाते, शहर के अंदर रेलवे नहीं शुरू करवाते, पानी का टैक्स नहीं बढ़ाते, कचरे का डबल टैक्स आप पे नहीं लगाते। पुलिस कमिश्नरेट एरिया पिछले 15-20 साल से हम जो फॉलो कर रहे थे उसको हमने ये प्रपोजल फाइनल करवाया था कि मीरा भयंदर को थाने पुलिस कमिश्नरेट के साथ ऐड किया जाए, क्योंकि थाने रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है हमारी। कलेक्टर ऑफिस में जाना है तो थाना जाना पड़ता है, तहसीलदार जाना है तो थाना जाना पड़ता है, इसलिए हमको उसके साथ जुड़ा जाए। मगर अभी इलेक्शन आया है तो सरकार को आनंद फानंद में डिक्लेरेशन करना था, तो क्या कर दिया आपको, हमको वसई के साथ में जोड़ दिया। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट आपके हमारे रहेगी थाने और पुलिस कमिश्नरेट आपका जम जाएगा पालघर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के साथ। ये फ्यूचर में आपको इसकी प्रॉब्लम समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी समझ में, क्योंकि टेक्निकल और लीगल बात है। टीम कन्वेंस पूरे शहर राज्य के अंदर हम लोगों ने कराया, 2013-14 के अंदर कायदा पास कराया। 88,000 सोसाइटीज, 88,000 सोसाइटीज मुंबई थाने के अंदर यूएलसी के वजह से कन्वेंस नहीं होता था, ओसी के वजह से कन्वेंस नहीं होता था। तो पृथ्वीराज चौहान साहब ने हम लोगों ने कायदा पास किया 2013-14 में। मगर इस सरकार के 5 साल की राज में होता है क्या, टीम कन्वेंस आपका फाइल अपलोड होती है, रजिस्ट्रार उसको रिजेक्ट करता है, फाइल अपलोड होती है, रजिस्ट्रार रिजेक्ट करता है, मीटर फिक्स होकर रजिस्ट्रार के ऑफिस में मीटर फिक्स है, कन्वेंस नहीं होता। क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना, रीडेवलपमेंट के बारे में 2013-14 में एक पॉलिसी बनाई कि 1985 का कट ऑफ डेट रखेंगे। मैंने पृथ्वीराज चौहान साहब से जाके कहा कि सर 12 जून 1985 को हमारी नगर परिषद बनी है, 91 के अंदर पहली नगर पालिका का चुनाव हुआ है और उसके बाद में डेवलपमेंट का काम जरा सा फास्ट बढ़ा है, तो आप इस कट ऑफ डेट को 85 के बदले में 95-96 रखिए, ताकि इन 10 सालों के अंदर की जो बिल्डिंगें हैं जिसको रीडेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि वो बिल्डिंग लो लाइन हो गई है, बाजू सराउंडिंग का एरिया भराव की वजह से ऊपर हो गया है, वहाँ वाटर लॉगिंग होती है, बिल्डिंग की कंडीशन खराब है, तो इसका कट ऑफ डेट 95 होना चाहिए। मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, मैं इस तरह की बातें नहीं करता, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। ये सरकार आ गई, 5 साल में क्लस्टर डेवलपमेंट का कोई भी योजना इस सरकार ने नहीं किया। आज इस शहर के अंदर तकरीबन 1200 बिल्डिंग ऐसी है जिसको क्लस्टर डेवलपमेंट के अंतर्गत रीडेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि वाटर लॉगिंग होता है। खास तौर के तुम्हारा एक कृष्णा स्थल है, प्लेजेंट पार्क है, ओल्ड प्लेजेंट पार्क है, न्यू प्लेजेंट पार्क है, भयंदर का कुछ एरिया है, इस तरह की काम उसमें भी नहीं हुआ। कोर्ट की बिल्डिंग हमने बनाई कानक्या के पास में, सर्वे नंबर 233 में, मालूम है कि आपको विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री थे तब वो जमीन मैंने अलॉट कराई और उसमें कोर्ट की बिल्डिंग बनाई। 5 साल से बिल्डिंग ऐसी खड़ी है, 5 साल में कोर्ट चालू नहीं हुआ। विलासराव जी देशमुख थे सीएम, नेशनल जुडिशियल एकेडमी बनी है उत्तर में, मालूम है आप लोग को किस्सा है। मैं MLC था और विलासराव जी के पास वर्षा में मैं बैठा था और अंदर सारे चीफ जस्टिस औरंगाबाद डिवीजन के और बार काउंसिल के लॉयर सारे वहां उनकी मीटिंग हो रही थी। मुझे OSD ने बोला कि सर ये मीटिंग हो रही है, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट है। वो मीटिंग से वो लोग बाहर गए, अनिल ऊपर आ जाओ, राजू उड़ती है। तो वो मीटिंग जैसे खत्म हुई मैं विलासराव जी से मिला और मैंने उनसे कहा कि सर ये जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी जो है ये आप हमारे इलाके में बनाइए। बोले किधर बनाना है और क्यों मीरा भयंदर में बनाना है। विलासराव जी बहुत हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति थे। मैंने कहा कि सर हमारे मीरा भयंदर को दो चीज के लिए बहुत आजकल बदनाम बोलिए या नाम बोलिए, क्योंकि उर्दू का एक शेर है कि बदनाम होगे, क्या बदनाम होगे तो नाम ना होगा, मतलब आदमी बदनाम होता है तो नाम होता है ना। उन्होंने कहा दो चीज के लिए हमारा शहर बहुत आजकल फेमस है। बोले क्या है। बोले एक तो बार और बारगल और दूसरा भयंदर, भाई अंदर, भाई अंदर, मतलब भयंदर के अंदर के जो भाई है वो हमेशा अंदर ही रहते हैं, इस तरह से। तो बहुत जोर से वो हंसे तो बोले क्या बोलना क्या चाहते हो आप। मैंने कहा ये नेशनल जुडिशियल एकेडमी आप जो औरंगाबाद में बनाने जा रहे हैं उसके बदले में आप इसको उत्तर में बनाइए। एक तो नेचुरल
सौंदर्य इलाका है, मुंबई से लगा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान से जुडिशरी वहां पे आएगी, तो एयरपोर्ट की जरूरत है, तो बॉम्बे से बड़ा क्या होगा। और हमारे शहर को एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट मिल जाएगी, शहर का नाम रोशन होगा। आप मानो या ना मानो, उन्होंने उसी टाइम चीफ सेक्रेटरी को फिर से बुलाया, मुझे बोला रुको, चीफ सेक्रेटरी को फिर से बुलाया और कहा कि ये इंस्टीट्यूट औरंगाबाद में नहीं, मीरा भयंदर में बनेगा। मगर हमने बोर्ड नहीं लगाया कि मुझे गर्व है। नेशनल जुडिशियल एकेडमी आपके हमारे शहर में, कितनी बड़ी बात है। ऐसा दूर दृष्टिकोण लेके हमने काम किया। 91 में मैं नगर सेवक बना, 385 रिजर्वेशंस किए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मैदान ये वो सारी चीजें। एपीजे कलाम ये कहते थे हमेशा कि इंडिया को अगर डेवलप्ड नेशन बनना है तो हेल्थ एंड एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 40% रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और हेल्थ सेक्टर्स में यहाँ पे मीरा भयंदर भी की, चाहे मेरी स्कूल हो कि अस्पताल हो या भक्ति वेदांता हो कि रॉयल कॉलेज हो कि या आमदार का खुद का हो या शहर में। आज आपको मालूम है 115 स्कूल है, आज आपको पता है 115 स्कूल है। मुझे क्यों पता है, मैं लोगों की बच्चों की फीस भरता हूँ। 75 स्कूल में तो मेरे संस्था से बच्चों की फीस का चेक जाता है, मैं खुद साइन करता हूँ। और मैं कभी बोलता भी नहीं इस बात को, और ना कभी बोर्ड लगाता हूं, मुझे गर्व है। तो 725 स्कूल्स आज इस शहर में बनी। कैसे बनी, क्यों बनी? अगर हमने वो नियोजन नहीं किया होता तो क्या आपको लगता है वो बन सकती थी स्कूल है? आज हॉस्पिटल्स है, हमारा है, भक्ति वेदांता का है, म्युनिसिपैलिटी का है, उसका है, दुनिया भर का है, नर्सिंग होम्स है। डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन हमने बनाया, डीसी रूल बनाया, ये मात्रे साहब उस बात के गवाह है। ये उस वक्त ये और हम दोनों साथ में मिलकर करते थे, मैं पॉलिटिकली करता था, फिर हम लोग करते थे। डीसी रूल को चेंज कराया 2002 में, पहले नगर परिषद का डीसी रूल था, उसको कॉरपोरेशन का बनाया। कल्याण डुम्बिवली और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग को अलग से बुला करके बैठ के मीटिंग करके हमने पूरा शहर का डीसी रूल बनाया, जिसको अशोक राज चौहान साहब के प्रेजेंट टाइम में हमने उसको मंजूर कराया। वो नहीं होता था, आपकी 21 माले की बिल्डिंग नहीं होती, आपको रोड के टीडीआर नहीं मिलते, आपको गार्डन का एकोमोडेशन रिजर्वेशन में काम नहीं होता। ये सब कुछ हम लोगों ने किया और ये करने को 25 साल लगा। आज एक आप जमीन भी खरीदते हो, उसको बिल्डिंग बनाने को भी कंप्लीट करके परमिशन ओसी लेकर आने को भी कम से कम 3 से 5 साल लगता है कि नहीं लगता है? तो 5 साल में अगर ये कोई कहेगा कि मैंने 5 साल में पूरा शहर बना दिया, क्या आप इस बात को मानोगे? तो हकीकत ये है, हकीकत ये है कि 5 साल में कुछ होता नहीं है। 5 साल में कुछ करने के लिए पहले 20 साल का नियोजन लगता है। आपको मालूम है मेट्रो कैसे बनी? मुंबई की जो मेट्रो है, इसके बारे में आप लोगों को किसी को मालूमात है? मनमोहन सिंह साहब और पृथ्वीराज चांद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर, जापानीज गवर्नमेंट के साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जापान के पास में लैंड कम है, मैन पावर कम है, टेक्नोलॉजी है और वर्ल्ड में कॉम्पीट करता है, तो उसको इंडिया से अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं दिखी नहीं। इंडिया के पास 1500 किलोमीटर के कोस्टल बेल्ट है, पोर्ट्स बन सकते हैं, लैंड है 6000 किलोमीटर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लेंथ है। तो जेएनपीटी से दिल्ली तक के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिजाइन किया गया और उसमें 1500 किलोमीटर इन लेंथ एंड 300 किलोमीटर इन विड्थ एंड 7 स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी और कुछ पार्ट ऑफ पंजाब एंड दिल्ली। और उसमें 5-5 हजार एकड़, 3-3 हजार एकड़ जमीन जापानीज गवर्नमेंट कंपनीज को दी गई। तो ये पूरा मेट्रो का जो प्लान बना है, आज जिसकी छाती ठोक ठोक करके ये सरकार बोलती है कि हमने बनाया बुलेट ट्रेन हम ला रहे हैं, तो इसकी नींव 2006 और 2007 में रखी गई। 2007-08 के अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक MMRDA रीजन, आप लोग को मालूम होगा सबको, MMRDA रीजन गोज अप टू कल्याण डोंबिवली, ये सारे इलाके तक के। मैं MMRDA के अंदर मेंबर था, बीइंग एन MLC, और विलासराव जी के बहुत नजदीक और अच्छे संबंध थे और वो जानते थे कि मैंने कॉरपोरेशन में काउंसिल में काम किया, तो वो मुझे हमेशा साथ में रखते थे।
1.5 लाख करोड़ रुपए का प्लान बनाया गया, जिसके अंदर ये मेट्रो का पार्ट था, सिक्स ट्रैक हाईवे का था, अपना मोनो रेल था, जेएनपीटी का डेवलपमेंट था, ये सारी चीज इट वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट प्लान। ये उसके अंदर से स्टार्ट किया गया और इसके लिए 28,000 करोड़ रुपए के करीब जापानीज गवर्नमेंट ने अपने को फंडिंग की, इंडियन गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र स्टेट को 0.4% के ऊपर, 0.04% के ऊपर। तब जाकर के वो 2006-07 के अंदर मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ और वो 9 फेजेस में डिवाइड किया गया। उसी वक्त हमने मीरा भयंदर को भी ऐड किया उसमें, मगर ये सरकार आई, ये सरकार ने उसको डिलीट किया और बहुत सारी चेंजेस की। फिर हमने आंदोलन किया तो इन्होंने आके डिक्लेयर किया कि 2019 में मीरा भयंदर मेट्रो हो जाएगी। दैट इज अनदर सब्जेक्ट। 65 सिटीज के अंदर मनमोहन सिंह जी ने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्लान इंप्लीमेंट किया पूरे हिंदुस्तान में। आप देखते हैं ना लाल कलर की बस JNNRUM लिखा हुआ है उस पे। दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान। मनमोहन सिंह साहब कितने बड़े इकोनॉमिस्ट है ये मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त में 2006 के अंदर गवर्नमेंट के पास में एक R&D थी, रिसर्च एंड एनालिसिस डिटेल थी कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत फास्ट बढ़ेगी अगले 20 सालों के अंदर, और उस इकोनॉमी को फास्ट गति से अगर हमको लेके जाना है तो हमको 5,000 या 10,000 किलोमीटर के हाईवे, 4 ट्रैक्स 6 ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे, मेट्रोज बनाने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए एक मेजर प्लान बना गया, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्लान, जिसके अंदर 65 कंट्रीज स्टेट्स सिटीज थी। मुंबई थी, ठाणे थी, मीरा भयंदर नहीं थी। उस वक्त अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गुलाम नबी आजाद साहब के पास था। आप में से कई लोग जानते हो, मेरे बड़े भाई के जैसे एकदम पर्सनल रिलेशन है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर ये हमारे शहर को इसमें ऐड कीजिए। बोले नहीं हो सकता क्योंकि ये सिर्फ ए कैटेगरी सिटीज के लिए है। मगर उसके बावजूद उन्होंने यहाँ के लिए हमारे को 1,000 करोड़ रुपए दिए, जिससे हमने अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम बनाया, 9 STP बनाए, 9 STP 980 MLD लीटर ऑफ वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। पानी हमारे पास 125 MLD है, लेकिन हमने STP अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम जो बनवाए 9, जिसके लिए पैसे लाए 550 करोड़ रुपए, कीपिंग इन माइंड फ्यूचर में शहर की आबादी कितनी बढ़ेगी वो सब सोच के किया। 2014 के 14 तक के वो काम पूरा हो गया है, 5 साल हो गया है, मगर STP को चालू नहीं किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्लान के अंतर्गत फिक्स फॉर्मेट है कि ये बनने के बाद में इसका जो ऑपरेशन है ये आप किसी भी को कॉन्ट्रैक्टर को दोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस में ही होना चाहिए। मगर यहाँ के विधायक जी जो है वो भी चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट उनके आदमी ले, उनके लोग ले। इसके लिए 5 साल से ये शहर विदाउट STP विदाउट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम हो रहा है। शांतिनगर का STP जिस जगह पे था जो बंद हो गया था, खराब हो गया था, वो हम लोगों ने वॉल फुटिंग पे बना करके चालू करवाया था। तो इससे उतना चलता है लेकिन उसका भी मेंटेनेंस सही नहीं है। खैर, उसके साथ में हमने 250 बसेस लाई, मंजूरी ली। पहले 50 बस 2007 में हमने स्टार्ट करी म्यूनसिपैलिटी की, उसके बाद में 80 बसेस लाई और ये सरकार बदलते बदलते हमने दूसरी 100 बसेस लाई, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। लेकिन 5 साल के अंदर म्यूनसिपैलिटी की अभी सिर्फ 15 बसेस चलती है जेब थे। 5 साल तक के नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया। कच्चे नालों को पक्का बनाने का काम किया गया। फिर बहुत सारी दूसरी चीजें थी। तो विलास राव जी ने 2006-07 के अंदर महाराष्ट्र नगर उत्थान कार्यक्रम स्टार्ट किया, जिसमें BCD कैटेगरी की नगर परिषद को इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसमें भिवंडी भी आया, बदलापुर भी आया, वसई भी आया, मीरा भयंदर भी आई। तो उसके तहत क्या काम हुआ, ये कंक्रीट के रास्ते का जो आज नंगारा कोई पीट रहा है ना, ये कंक्रीट का रास्ता मैंने बनाया, कंक्रीट का रास्ता कोई मैंने बनाया, ये उसके प्लान के तहत उसमें 100 करोड़ रुपया अलॉटमेंट हुआ था। वो उसके पैसे टप्पे टप्पे से इस शहर में आते हैं। नाले बनाए गए, स्ट्रीट लाइट लगाई गई, पूरे मीरा भयंदर में जितने आपको ये जो जूने तालाब दिखते हैं उसका जो सुशोभीकरण किया है वो सारा पैसा उस महाराष्ट्र नगर उत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर किया गया और वो इन पाइपलाइन आते जाता है। ये शहर के अंदर BSUP योजना लागू की गई, 3 योजना स्टार्ट की, 4,138 मकान काशीमीरा के साइड में, केंद्र सरकार उसको 50% देती थी, राज्य सरकार 40% देती थी, नगर पालिका ने 10% देने का था। ये सरकार आने के बाद में वो योजनाएं बंद हो गई, वो 4,000 लोग आज भी शेल्टर में रहते हैं।
पांच साल के अंदर इस सरकार ने उस योजना के बारे में कुछ विचार तक नहीं किया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये सारा काम हम लोगों ने किया ओवरनाइट, कुछ हुआ नहीं, बल्कि पांच साल में गाड़ी जहां है वहीं रुक गई, उससे नीचे चले गई, ऊपर गई नहीं। और ये चुनाव लड़ने का मुख्य कारण मेरा ये है कि शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उसे खत्म करना है। शहर में जो लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर, व्यापारी वर्ग के ऊपर, सभी लोगों पे जो एक अन्याय का वातावरण बना है, एक दहशत का वातावरण बना है, एक डर का माहौल बना है, उसे खत्म करना है। हम लोगों ने शहर इसके लिए नहीं बनाया कि लोग दहशत के माहौल में यहाँ पे जिए, लोग धर्म के नाम पे यहाँ पे जिए, लोग मजहब के नाम पे यहाँ पे आपस में लड़ाई लफड़े झगड़े फसादात करें। आप लोग गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों से आते हो, बताइए पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे हिंदू शमशान, कब्रस्तान, पर्यंकर और ऐसा कहीं बाजू में है क्या? बताइए, क्यों बनाया हमने? कि एक मिसाल रहना चाहिए कि हम जीते जी साथ में हैं, मरने के बाद भी हम साथ में रहें। इस मिसाल के लिए बनाया, इसके लिए नहीं बनाया कि मुजफ्फर हुसैन का बोर्ड वहां पे लगा रहे। अब ये सत्ता में आने के बाद मेरा बोर्ड वगैरह भी निकाल के फेंक दिया है, तो लोग मुझे, मैं जाता हूँ अगर कभी किसी के अंतविधि में जाता हूँ, किसी के कब्रस्तान में उसके लिए जाता हूँ, तो लोग बोलते हैं साहब आपका बोर्ड निकाल दिया है। मतलब निकाल देने चाहिए, बोर्ड निकालेगा लोगों के मन से दिल से मेरा नाम कैसा निकालेगा? तो ये ओछी हरकत होती है, छोटी सोच। वो कहा होता है गंजे को नाखून मिल रहे तो क्या करता है, खुजा खुजा के सर खराब कर देता है। तो वो हाल हो गया कि जिसकी लाइक ही नहीं, जो उस लायक नहीं था, उसको उस पद मिल गया, तो उसको उस पद की गरिमा को कैसे मेंटेन करना है उसकी समझ नहीं है, और उसके चलते भी ये सब हरकत करता है। लाइब्रेरी बनाई हमने, महात्मा गांधी लाइब्रेरी, मालूम है ना आप लोगों को, 20,000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी। आपको मालूम है 6 महीना पहले क्या किया? आपको पता है किसी को? 20,000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी को आधी लाइब्रेरी बंद कर दिया है, और ये रसाज के पास म्युनिसिपैलिटी का अच्छा खासा ऑफिस था, उसको वहां जाकर के चालू किया। मतलब आदमी को एजुकेशन से भी कोई संबंध नहीं। हमने जब डेवलपमेंट प्लान बनाया तभी शहर में हर जगह लाइब्रेरी का हमने रिजर्वेशन करवाया, हर जगह। तो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। क्या आपके हमारे शहर में, हमको पता था कि लोअर इनकम ग्रुप के लोग आके रहने वाले हैं, और उनके लिए इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी, क्योंकि मुंबई में हम देखते थे कि वो बच्चे लोग नाके के ऊपर कोने पे कहीं पे जिम होता है ना, ओपन जिम वगैरह, उसकी लाइट में बेचारे बैठ के पढ़ते हैं। अब मुंबई से यहाँ पे जो माइग्रेट होके आए हैं वो कोई बहुत अजबो खजबो लोग नहीं आए ना, मिडिल क्लास के लोग आए, लोअर मिडिल क्लास के लोग आए। तो सारी चीज को ध्यान में रखते हुए कि लाइब्रेरी, शहर में नंबर ऑफ लाइब्रेरीज होनी चाहिए, तो हमने किया एक यहाँ पे रसाज के पास किया था, तो वो पुलिस को दे दिया, यहाँ की लाइब्रेरी पुलिस को दे दी, वहां लाइब्रेरी चल रही थी आधी लाइब्रेरी बंद करके म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस चालू कर दिया। तो एजुकेशन में भी ध्यान नहीं। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, मैंने आजाद साहब जब थे तो 2 करोड़ रुपए चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर हमने 2 करोड़ रुपए लाए और उसको नर्सिंग एंड मैटरनिटी होम करके स्टार्ट किया। मेरे MLC फंड से पूरा स्ट्रक्चर हमने बनाया। आज वहां पे डिलीवरीज होती है, 2000 डिलीवरीज होती है गरीब लोगों की, 1500 से ज्यादा सीजरिंग होती है। आज उस ओपीडी के अंदर पूरे साल में 40,000 लोगों को ओपीडी की दवा मिलती है फ्री। मैंने अपने MLC फंड से 7 डायलिसिस मशीन वहां पे लगाई है, जाके देखिए 3,500 लोग डायलिसिस करते हैं साल में, मगर आप लोग का संबंध बनता नहीं है, इसलिए आप कभी जाते नहीं, इसलिए आपको पता नहीं, कभी जाइए देखिए। मॉर्ग रूम बनाए, अब आप बोलेंगे मॉर्ग रूम का क्या संबंध है? शांतिनगर के मकान 15 स्क्वायर मीटर का मात्र सबने डिजाइन किया, 20 स्क्वायर मीटर का डिजाइन किया, 25 का किया, छोटा सा घर, और किसी की अंतिम यात्रा हो जावे, किसी के घर में डेथ हो जावे तो पूरी सोसाइटी परेशान, जब तक कि उसके परिवार के लोग आ जावे, मुंबई से आ गए, गुजरात से आ गए, आसपास से आ गए, 24 घंटे तक के पूरा परिवार, पूरी सोसाइटी परेशान। इसके लिए मॉर्ग रूम बनाया, किसी घर में ये परेशानी हो जाए तो कम से कम बॉडी घर के लोग आने तक के रखी जाए। है क्या इनके पास किसी, इनके पास ये दृष्टिकोण, दूरदृष्टिकोण कि 5 साल में इन्होंने कोई चीज ऐसी प्लान की हो कि जो इस शहर के अगले 50 साल के लिए काम आवे? इन्होंने किया प्लान, क्या किया? मैंगो डिस्ट्रक्शन करो,
संजय गांधी नेशनल पार्क के पास का इको सेंसिटिव जोन डिस्टर्ब करो, ये काम किया, व्यक्तिगत काम करना चाहिए। धन संपत्ति हर इंसान ने बनाना चाहिए, मगर लोगों का गला काट के नहीं, कायदे का उल्लंघन करके नहीं, और समाज के और शहर की कीमत के ऊपर नहीं। ये हुआ है इस शहर में, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन 25, 30, 35 सालों में मैं कभी आप लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन भी नहीं किया, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि हर महीने और हर साल मैं हजारों बच्चों की फीस भरता हूं। किसको पता आपको? कोई आया होगा मदद मांगने, उसको किया होगा, उसी को पता होगा। अस्पताल नहीं बना था तो मैं फ्री एम्बुलेंस चलाता था, फ्री एम्बुलेंस 10 साल तक मैंने चलाया। आज अस्पताल भी बन गया तो उसमें भी हजारों लोगों की मदद हम करते हैं, और सब ऑनलाइन डेटा है, हॉस्पिटल के, स्कूल के ऊपर लोगों के टेस्टिमनीज के साथ अवेलेबल है। मेरे हॉस्पिटल के ऊपर उंगली उठाई, मैंने हाईकोर्ट में डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया 25 करोड़ रुपए का। कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ा इनको, जो वीडियो फेसबुक पे डाला था सब छूटा था, निकालना पड़ा। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया जब तक ये फाइनल डिस्पोजल नहीं होगा, अभी तुम या तुम्हारा कोई आदमी इंस्टीट्यूट के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोलेगा। अगर हम गलत होते, अगर मैं गलत होता, या मेरे दामन में दाग होता, या मैं चोर होता, तो मैंने किया होता क्या? ये कायदे की चीज है, कायदे से करते हैं हम। इल्लीगल काम करने का नहीं जीवन में, ये निश्चित किया हुआ है, गलत काम करने का नहीं। भगवान ने हमको बहुत कुछ दे दिया, आप और हम जहां बैठे यहां चावल की खेती लगाते थे, ये मात्रे साहब को पता है, बैलगाड़ी में जाते थे 10 साल की उम्र से लेके तो 16 साल की उम्र तक के। मीरा रोड में हमारा घर जहां पे, वहां तबेला था भैंसों का, और गोरेगांव में दूध की डेयरी थी। सवेरे 100 घर में दूध मैं भरता था, शाम को 100 घर में दूध भरता था। कितनों को बताया आपको? ये शिवार गार्डन में बैलगाड़ी में जाता था भैंसों को पानी पिलाने के लिए। भैंसर से और भयंदर से पीने का पानी हम लोग लाते थे खुद के पीने के लिए, और हमारे साथ में लोग जो रहते थे उनके लिए। तो वो दिन हमने देखा है, हमारे फैमिली ने देखा है, और आज जो भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने हमको दे दिया, हम संतुष्ट हैं। मेरे पिताजी को देखा होगा आप लोगों ने, कैसा सिंपल दरवाजे पे बैठे रहते हैं, मेकर ऑफ मीरा रोड, कैसा रहना चाहिए आदमी ने, ठाट बाट के साथ, मगर घमंडी नहीं है ना, घमंडी नहीं है, अहंकार नहीं है, गर्व नहीं है। खुशी है हमको, हमारे परिवार को खुशी है, खुशी है इस बात की कि इस शहर में जो आया उसने तरक्की की, उसने 4 पैसे कमाए, उसके बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बने, कई लोग फॉरेन में। आपको मालूम है मीरा रोड के 50 बच्चे हार्वर्ड बॉस्टन में, ये मालूम है आपको? 50 families। मैं बॉस्टन 3 साल पहले गया था, मेरे इसकी स्लिपलेस की सर्जरी करने से पहले ओपिनियन लेने 2016 में, कम 20-25 बच्चे मिले। मात्रे साहब का भी लड़का उधर ही है, अभी मेरा भी लड़का 1 तारीख को वहीं गया हुआ है हार्वर्ड। 50 बच्चे बॉस्टन एक शहर में, मिडिल ईस्ट में तो पूछो मत कितने। मैं रिटर्न फ्लाइट में से आया और दुबई मॉल में गया, ये ग्लास लेने के लिए गया, तो 2-3 लड़के भाग करके आ गए, एक ने सलाम किया, एक ने नमस्ते बोला, मैं समझ गया ये माल अपनी खेती का मीरा रोड का है। दूसरे बाकी भी स्टोर से 4-5 लोगों को बुलाया, वहां फोटो सेशन हो गया। मेरा स्कूल के बचपन के दोस्त लोग, मैं गोरेगांव जवाहर नगर विवेक विद्यालय स्कूल में पढ़ा, 5 रुपए की फीस थी हमारी, साउथ इंडियन स्कूल थी, और सब ब्रिलियंट लोग होते हैं, आपको मालूम है, तमिलियन मलयाली सब ब्रिलियंट लोग, तो अभी दुबई के अंदर, ओमान के अंदर, कोई यूएस में, सब बड़ी बड़ी कंपनी के ऊपर डायरेक्टर्स ये हुए। तो मैं दुबई गया, 4 से कॉन्टेक्ट करके हम लोग, मतलब 2 दिन जाते जाते इन सबसे मिलते ही जाता, तो लोग सब लोग साथ में थे। तो उनको मैंने कभी आज तक बताया नहीं था कि मैं अभी पॉलिटिक्स में हूं, या इतना ये हो गया, वो हो गया। 35 साल के बाद मिले तो वो लोग शॉक हो गए सब। एक मेरे को उसमें से सैयद बोलता है, एक मेरे को मुजू बोलता है, तू इतना बड़ा आदमी कब से बन गया?
मतलब मैं आदमी बड़ा नहीं बना, ये लोगों की मोहब्बत है कि लोग अपने को जानते हैं, पहचानते हैं और प्रेम से उनको लगता है कि अपना हक का आदमी है। नहीं तो डर लगता है उनको, बड़ा आदमी डर लगता है बात करने को कि कैसे बोलेंगे, कैसी बात करेंगे। तो ऐसी मोहब्बत मिलती है लोगों से। मैं जाता हूँ कई बच्चों की शादी में जाता हूँ, वो दुल्हन रहती है ना, कभी वो बोलती है अंकल आपने मेरे स्कूल की फीस भरी थी। जीवन में इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। वो बच्चे का बाप रहता है कहीं पे, वो बोलता है आपने मेरे लड़के का इलाज करा दिया था। मुझे बताओ मैं मतलब मेरे आंख से आंसू निकलना बाकी रहता है कि मेरे हाथ से, हमारे परिवार के हाथ से इतना बड़ा काम भगवान ने, ईश्वर ने कराया, कितनी बड़ी बात है। आज भी दिन भर में दसो, मैं भी इलेक्शन का भी इसमें हूं ना, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव है हमारा, भले मैनेजमेंट हमने उखाड़ तो दिया है लेकिन चैरिटेबल का काम संस्था के पास है। और रात बेरात किसी भी टाइम मैसेज आएगा तो मैं देखता हूं, चाहे कितने भी काम में हूं, पहला उसकी मदद का काम मैं पहले करता हूं। और यही वजह है कि लोगों की दिल से दुआ हमको मिलती है। ये तीन मेरी सर्जरी के बाद में, अभी मेरी स्पाइन के अंदर डिस्क नहीं है, प्लेट बिठाई है। आदमी एक सर्जरी करने को डरता है, मेरी 3 साल में 3 सर्जरी हुई और अभी प्लेट बिठाई हुई। 8 महीना में बेड रिटन था। डॉक्टर बोलता है आप कैसे रिकवर होंगे, इतना भागदौड़ कैसे करते हैं, इट्स मतलब अचंभा है। मैंने कहा भाई लोगों की दुआ है, जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। और ये भी जो 21 तारीख का भी जो काम है, ये सिर्फ किससे होने वाला है, दुआ से होने वाला है। आप भले ही बटन दबाओगे लेकिन जब अगर दिल से दुआ देके बटन दबाओगे तब ये काम पक्का होगा। जो लोग बहुत बोलते हैं अरे साहब आप लड़ रहे हो ठीक है, कांग्रेस का कुछ बचा नहीं, ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा भाई किसका क्या बचा है नहीं बचा मुझे पता नहीं, मुझे अपने शहर को बचाना है। लोग बोलते हैं मशीन का क्या करोगे आप, मतलब कौन सी मशीन, बोलते ईवीएम, मतलब उल्टा करो मुजफ्फर विक्ट्री इलेक्शन। जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए, जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए और लोगों के लिए, लोगों के हित में लड़ते रहना चाहिए। कोई देखे ना देखे, आपको तो पता है, ऊपर वाले को पता है कि तू किसी के लिए लड़ रहा है, किसी के हक के लिए लड़ रहा है। अब वही काम हम कर रहे हैं। धर्म के नाम पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने मुझे देखा है, परखा है, खाली देखा नहीं है, ये खाली मुंह जबान की बात नहीं है। मेरे समाज के लोग यहाँ पे कहते हैं कि आप तो वो समाज का काम ज्यादा करते हो। मैंने कहा मेरा हाल तो ऐसा है कि ये बोले कि तुम उसका करते हो, वो बोले कि तुम इसका करते हो, मुझे तो ये पता नहीं। मैं तो सिर्फ ईश्वर का, खुदा का काम करता हूं, मनुष्य जाति का काम करता हूं, चाहे भागवत गीता हो, रामायण हो, बाइबल हो, कुरान हो, ये कोई धर्म ग्रंथों के अंदर मनुष्य जाति के संदर्भ में ये नहीं कहा गया कि ये जाति खराब है, ये धर्म खराब है। सिर्फ ये कहा गया है मानवता ही परम धर्म है, सेवा ही परम धर्म। और इसीलिए भगवान ने आपका हमका सबका खून एक रखा है। मेरे से बड़ा नसीबक कौन होगा बताइए आप। अभी आपके हाथ में कैटलॉग आया हुआ है, उसमें लास्ट पेज में देखिए आप, 91 में अक्षरधाम की ओपनिंग में मेरे हाथ से हुई, देखो उसमें फोटो मैंने फर्स्ट टाइम डाला, लास्ट पेज पे होगा, प्रमुख स्वामी महाराज है और चिमन भाई पटेल बापा बीच में, एक तरफ मैं और दूसरी तरफ चिमन भाई पटेल। लेकिन हमने कभी इसका बोर्ड नहीं लगाया कि मुझे गर्व है। व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल नाम से, चाहे इस्कॉन के लोग हो तो कलकत्ता मुझे बुलाया, इंटरनेशनल सेमिनार था, 2 दिन मेरा भाषण वहां चला, माउंट आबू पे, अपने ये है ना संस्था माउंट आबू पे, ओम शांति ब्रह्मा कुमारी, वो बहनों ने हमको बुलाया वहां पे इंटरनेशनल सेमिनार,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके सामने मेरा लेक्चर। भाई साहब 8-10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको, और ऐसा बताते बैठूंगा तो आपको इतनी कथाएं सुनाऊंगा मैं, तब आपको पता लगेगा यार ये तो हमने तो इसको घर की मुर्गी दाल बरबार समझा। मुजफ्फर भाई के बारे में हमको कुछ मालूम ही नहीं है। 9 साल पूरे महाराष्ट्र में मैंने काम किया मेरे एमएलसी फंड से। जो काम मैंने यहां किया इस शहर में, लाइब्रेरी, स्कूल, एजुकेशन, वो मैंने महाराष्ट्र के हर तालुके में किया। मेरे बोलने पे मत जाइएगा, असेंबली के अंदर रिकॉर्ड होता है कि कौन एमएलए एमएलसी पैसा कहां यूज किया, किस पर्पस के लिए किया। आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि 9 साल में मुजफ्फर भाई ने अपना जो एमएलसी का फंड है उससे क्या किया। तो स्कूल बनवाई एकदम ग्रामीण भाग में, पीने का पानी नहीं था तो वहां पे लाइन डलवाई, शमशान बनवाया, कब्रस्तान बनाया, छोटी मोटी लाइब्रेरी गांव में बनाई। ये जो रोल मॉडल मॉडल हमने यहाँ तैयार किया वो काम मैंने पूरे महाराष्ट्र में किया, पूरे 50 डिस्ट्रिक्ट में किया। तो ये बहुत एक लंबा सफर है। आप सब लोग यहाँ पर आए इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये जो करप्शन और इनजस्टिस के खिलाफ में मैंने शहर के हित में लड़ाई शुरू की है, इसमें आप लोग मेरा साथ दोगे और आने वाले 21 तारीख को मुझे बहुमतों से चुन करके आप भेजोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।